अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप सीसी 2019 या इसके फर्दर जो भी हमारे पास वर्जन्स आ चुके हैं तो उनमें हम क्रॉप टूल का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ फोटोशॉप पे जो ये पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की है, ये पिक्सल लैब से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद unsplash.com है इसके पास, और इसके बाद और भी कोई वेबसाइट हैं जिन पर आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जितना भी जूम कर रहा हूँ ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है मेरे पास। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉप टूल, जैसे कि हमारा तीसरा जो है ये क्रॉप टूल के बारे है जिसे आप शॉर्टकट की इसकी है सी। अगर आपको ये नहीं मिला तो आप यहाँ पे थोड़ी देर ठहरेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्रॉप टूल और ये शॉर्टकट की हमारे पास दिखाई हुई है। और यहाँ पे मैं सी प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे देख लेते हैं आप। मैं यहाँ पर अगर ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ और इसे मैं अनचेक एक दफ़ा कर देता हूं, क्योंकि ये मैं आपको दिखाने लगा हूं इसका क्या पर्पज़ है हमारे पास। जैसे ही मैं ये देखें ये एरिया और यहां से यहां तक कर लें, मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाली पिक्चर्स आ चुकी है। और अभी भी ये मेरे पास क्रॉप टूल पे लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी निशान वगैरह या जो भी हमारे पास बॉर्डर्स आते हैं क्रॉप टूल के वो नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से फिर क्रॉप टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बॉर्डर्स आना शुरू हो गए। अगर मैं यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास जो ये वाला एरिया था जो फर्दर पहले जो हमने क्रॉप किया था और उससे वापस आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये डाटा रिकवर रहता है, मतलब कि ये पिक्चर्स में हमारा डाटा सेव पड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स में वैसे ही सेव कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक लगा देता हूँ, जो हम क्रॉप पिक्सल, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, ये अंडू हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डिलीट क्रॉप पिक्सल पे चेक लगा हुआ है। और यहाँ पे देखें, मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ पे एक दफ़ा, तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं ये हमारे पास क्रॉप टूल के। और जैसे ही मैं इसे देखें, यहाँ पर आके क्रॉप करता हूँ, ये देखें यहाँ पर क्रॉप किया, चलो यहाँ तक ही कर रहा हूँ। और जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एरिया जो है ये ही रह चुका है। अगर दोबारा मैं इसे यहाँ पे क्रॉप टूल पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे खाली एरिया आ रहा है, ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ रही है। अगर आप यहाँ से इसे हटा दें तो ये देख सकते हैं आपके पास किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पर चेक लगा के ना रखें, क्योंकि ये हमारी पिक्चर्स को बाद का हमारी जो पिक्चर होती है वो क्रॉप ठीक नहीं हो रही होती, जैसा कि हम एडजस्ट कर रहे होते हैं तो फिर ये हमें उस वक्त बहुत काम देता है। तो इससे हमारे जो क्रॉप पिक्सल्स हो चुके हैं, जो हमारे पास पिक्चर जितना हिस्सा क्रॉप हो चुका है वो हमारे पास सेव रहेगा। और इसे, और जैसा कि आप देखते हैं मेरे पास ये वाला एरिया क्रॉप हो चुका है यहाँ तक, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने डिलीट चेक ऑफ कर देना है और यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंट अवेयर, और ये किस क्या काम करते हैं, आप यहाँ पे एक दफ़ा क्रॉप एरिया पे चेक लगाएं और यहाँ पे हम इसे करते हैं क्रॉप। क्रॉप तो क्या करना, चलें क्रॉप ही करके देखते हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ और यहाँ पे टिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फ़ोटोशॉप खुद से यहाँ पे हमारे पास जो डाटा रिमूव हो चुका है उससे थोड़ा सा मैचिंग करके हमारे पास यहाँ पे ला के रख देगा। जैसा कि ये थोड़ी देर वेट लेता है, अगर आपका प्रोसेसर या रैम अच्छी है तो ये कम टाइम लेगा, और मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। तो
ये हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये वाली चीज़, यहाँ से ये एरिया और ये एरिया इसने कॉपी किया है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया इसने कॉपी किया है। ये चीज़ों को उठा उठा के मतलब के एक तरीके से रख ही रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्री और ये वाला ट्री सेम है, यह वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, इस तरीके से इसने ये उठाया हुआ है। और इस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला इसने उठा के इसने यहाँ पे रखा है, और इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है इसने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसी तरह से ये कंटेंट अवेयर, ये इतना ख़ास बुरा भी नहीं है, ये काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसका क्या मकसद है ये मैं आपको अभी ही बताता हूँ। इसमें से ये यहाँ पे हमारे पास रह गया है स्ट्रेटन, ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये काम करता है, मैं यहाँ पे पिक्चर लेता हूँ ये वाली, ये मैंने डाउनलोड की है। ये देख सकते हैं आप हॉरिजॉन, जो हमारे पास हॉरिजॉन वो होती है जो हमारे पास आसमान और ज़मीन जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को हॉरिजॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन है ये काफ़ी हद तक टेढ़ी है। तो यहाँ मैंने स्टेटम पे चेक लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर था और अब जो है डार्क कलर हो चुका है। और यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ